भवानी नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत दिन दहाड़े अवाम के बीचों बीच भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक नौजवान का कर दिया गया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक वाकया जो कि अनमोल होटल के करीब का है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर आजम शरीफ की ऑफिस के रूबरू इनके भांजे 21 साल अनस मुर्तजा को नामालूम अफराद की जानिब से ब्लेड से इनके गले पर हमला करते हुए शदीद तौर पर जख्मी कर दिया गया। अनस का काफी ज्यादा खून बह गया, जिसके बाद इत्तला मिलते ही भवानी नगर पुलिस और क्लूज टीम ने मौके पर पहुंचकर अनस को शदीद जख्मी हालत में बगर्ज इलाज अवेसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर दौरान इलाज अनस की मौत वाकई हो गई। इत्तला मिलते ही साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बहरहाल भवानी नगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से और CCTV कैमराज की मदद से कातिलों की तलाश भी शुरू कर दी है। डिटेल में एक गंदरबा कॉर्पोरेटर का ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था, उसका रिश्तेदार को कोई मारने के लिए अटेंड करे तो उसको वेरी सीरियस इंजरी हुआ, उसको ओवरसी हॉस्पिटल को शिफ्ट करा, उधर ट्रीटमेंट ले रहे और हमको इंफॉर्मेशन आते आते पुलिस वाले इधर आके हमें इंक्वायरी कर रहे, पूरा इंक्वायरी होने के बाद कुछ मिले तो आपको बच्चे की कंडीशन क्या है सर? आपका वो उसका कंडीशन सीरियस। झगड़े का रीज़न क्या है? झगड़े का रीज़न क्या है बोल के किसी को नहीं मालूम, किसने दिन आया और कौन आया बोल के भी किसी को नहीं मालूम, तो इंक्वायरी कर रहे हैं। बोल रहे तो यहाँ पे मुझे बुलाए या फोन करके या और पहले से मौजूद थे सब कुछ मालूम होगा तो हमको कुछ नहीं, इंक्वायरी कुछ नहीं मिला आप तक, मिले तो आपको बोल रहे हैं।